अमन जी साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आप दोनों से सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आपको इतना ज्यादा लोग सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। थैंक यू। उम्मीद कीजिए कि इतना ज्यादा लोग सराहेंगे, प्यार करेंगे। उम्मीद तो की थी कि यू नो गाना अच्छा लोग पसंद करे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले गाने को, लेकिन जब एक्चुअली हो जाता है तो आपको लगता है कि थैंक गॉड, यू नो एक सांस में सांस आ जाती है कि आपने कोई चीज़ को लेकर एक अंदाज़ा लगाया था, एक मेहनत की थी उसके ऊपर और वो रंग लाई। जब यू नो गाना हिट होता है तो व्यूज़ आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। आई थिंक वी बोथ गॉट द कॉल्स टुगेदर एंड आई थिंक जब हम दोनों ने हाँ बोली सो वी बोथ लाइक स्पोक टू ईच अदर एंड लाइक ओके वी आर डूइंग इट। सो या दैट वॉज वो था कि हम दोनों को एक साथ ही आया था एंड द सेम पर्सन कॉल्ड बोथ ऑफ अस एंड ऑफकोर्स हम दोनों ने एक दूसरे का नाम। आई थिंक दे प्रॉब्ली वॉन्टेड अस टू डू समथिंग टुगेदर एंड अमन हुज द डायरेक्टर, हम दोनों मतलब पहले से जानते भी उसे, सो ही थॉट कि हमारी जोड़ी यू नो अच्छी लगेगी गाने में एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। और सच में शूट करते वक्त भी मज़ा आया। ऑलरेडी 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं तो और भी अब अच्छा लग रहा है कि जब गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो आई जस्ट होप इट कंटिन्यूज दिस वे एंड जहाँ तक मैं गाने की टैलेंट की बात करूं तो यासिर जी ने बहुत अच्छे से गाया, लिरिक्स अमेजिंग, लिरिक्स आशीष रासी ने दी है, ही इज रिटन इट रियली वेल। लोग बहुत लिरिक्स की भी तारीफ कर रहे हैं और एंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। हाँ मैं आधा आई रिमेम्बर मैं सेट पे पहुंचा तो आधा मेकअप करा रही थी, मैं सबसे पहले आधा के वैनिटी में गया एंड आई मेट हर एंड हम एक्चुअली शूट तो नहीं किए थे काफ़ी टाइम, बट मिले भी नहीं थे बिकॉज लॉकडाउन था तो हम इतने टाइम कोविड के वो टाइम से सब लोग मतलब वो जो मिलना था वो थोड़ा कमी हो गया था सबका, सब अपने अपने लिमिटेड लोगों को मिल रहे थे और घर पे ही थे ज़्यादातर क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि यू नो इनफैक्ट अभी भी इट्स लाइक दैट यू नो पीपल आर नॉट फुल फ्लेजिडली इतना लोगों से नहीं मिल रहे हैं। सो बट आई वॉज सो सो हैप्पी टू सी हर एंड हमने बहुत बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की हमने, लाइक सीरियसली वी हैड अ ग्रेट टाइम, पूरा नॉस्टैल्जिक ही था। मतलब हम शूट भी वहाँ कर रहे थे जहाँ हम नागिन शूट करते थे तो एक दो लोकेशन ऐसी थी जो जंगल था सब था वो हम एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग शिट हम यहाँ शूट करते थे यू नो। तो डेफिनेटली यार आई थिंक डायरेक्टर्स ब्रीफ इज आई मीन इट्स अ म्यूजिक वीडियो, इट्स एवरी सीन हैज़ अ पर्टिकुलर इमोशन टू इट, सो वी वर जस्ट लिविंग दोज इमोशंस एज एंड व्हेन द शॉट वॉज रेडी फॉर दैट एंड ही टोल्ड अस दैट एंड यू नो हमें स्टोरी लाइन पता थी तो वी न्यू वॉट वी हैड टू डू एंड आई थिंक अमन वॉज वेरी हैप्पी, अमन वॉज वेरी कोऑपरेटिव एक्चुअली क्योंकि वो हमें इम्प्रोवाइज करने भी दे रहा था और हमें वो छूट दे दी थी कि आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो ठीक लग रहा है वो आप करो, वी विल सी हाउ इट इज लुकिंग एंड सो वी वर लाइक या सो दैट्स डूइंग आवर ओन थिंग आल्सो। I mean, yeah, I mean, you know, these things are destiny. Yeah, these things are destiny. You can't think. You can't decide. कि अब साथ में फिल्म करनी चाहिए साथ में. I mean, it totally depends on how मतलब वो चीजें साथ हो होना एक साथ. वो बहुत रेयरली होता है कि और बार 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 यार बाय चांस है एंड ये भी म्यूजिक वीडियो वी डिडंट एक्सपेक्टेड वो हो गया बाय चांस यू नो तो वी डोंट नो कि आगे क्या होगा या क्या करे यू नो। हाँ ऑफ कोर्स है, मैंने कब मना किया, करेंगे करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह जरूर, कल ही साइन कर देते हैं। हाँ चल तू कॉन्ट्रैक्ट बना मैं साइन करता हूँ। ठीक है चल, ठीक है डन। कितना मुश्किल और थकाने वाला होता है एक ही बात को आगे लोगों से कहना जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, जब हम मीडिया इंटरेक्शन, बहुत पकने होता है
सच बता रहा हूँ, अभी सच पूछा ना, मैं सच बता रहा हूँ। एक चीज़ 36 बार हर एक्टर कितनी बार बोलता है, लेकिन इतनी ईमानदारी से करते हैं हम लोग। लेकिन जब आपने इतनी ईमानदारी से सवाल पूछा तो जवाब भी ईमानदारी से होना, पक्ता बहुत है। लेकिन दैट्स माई जॉब, यू नो, आई हैव टू डू इट, एंड इट हैज़ टू बी डन करेक्टली ऑल्सो। ये नहीं कि हर चीज़ में आप अलग अलग कुछ भी बोल दो तो वो टू द पॉइंट होता है, बिकॉज जब ये आएगा तो अलग अलग आएगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू कम। सो वो लोगों के लिए भी हमें, ताकि लोग उसको अच्छे से समझे कि वॉट आर आर रियल इमोशंस, तो रिपीट वैल्यू थोड़ा पक जाता है कि हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बट गिविंग द इंटरव्यू इज़ नॉट द प्रॉब्लम। नॉट द प्रॉब्लम, ऑफकोर्स इट्स आर ओन बेबी, एंड इसे जितना प्रमोशन मिले हमारे लिए बेहतर है। सो वी डू इट लाइक अर्जुन सेड, विद होल हार्ट। ओके, आखिरी सवाल आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जिन्होंने इतना सराहा, इतना प्यार दिया? 200 बनाए 200 बना दो। आई मीन सी द सॉन्ग इज डूइंग वेल, लोग सुन रहे हैं गाने को, एंड आई जस्ट होप कि गाना ग्रो करे उन पे, यू नो, तो वो इंसान बार बार सुनता है फिर वो गाना, एंड आई होप कि बहुत जल्दी 10 हो जाए, फिर 20 हो जाए, स्टेप एक ज़्यादा नहीं मांगते हैं अभी, पर धीरे धीरे जाएंगे ऊपर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग ये गाने से रील्स भी बना रहे हैं बहुत सारे, सो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पीपल आर। मुझे आधा से मिलके बहुत खुशी हो रही है, हमें चार बार मिल लिए इतने कम टाइम में, इंटरव्यूज़ के लिए और प्रमोशन के लिए और म्यूजिक वीडियो के लिए, सो इट्स गुड टू सी हैप्पी फेसेस। रियली रियली रियली, मी टू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एवरीवन, डन।